Hey guys, welcome to my channel. I am Shruti and in today's video, I am going to take you to a museum of Berlin. Iska naam hai Futurium and it's a futuristic themed museum. So people have created it for, you know, to visit futuristic things. There are creative things related to the future and it's very interesting to see it. So let's get into the video and see how this museum is. Hello friends, welcome to the future. ये एक बहुत प्यारा सा स्क्रीन है, इसके ऊपर इन्होंने प्रोजेक्टर से प्यारे प्यारे एनिमल्स दिखाए हुए हैं, जिन्हें टच करते हैं तो ये ऊपर नीचे भागते हैं। और ये कुछ है प्यारा सा सुंदर सा फ्लावर, दाने छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनाया हुआ है ये कुछ फ्यूचरिस्टिक को लेके। बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही सुंदर सा है। बट यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल मास्क नहीं उतारने दिया, केवल लाइक वेरी स्ट्रिक्ट कि मास्क बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सांस ही नहीं आ रहा था, दम घुट गया था लाइक दैट। तो देखिए, आपको ऐसे ऐसे प्लांट्स लगाने मिलेंगे फ्यूचर में, आप अपने घर में ऐसे ऐसे प्लांट्स लगा सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस था, जो इनका बेसमेंट था उसमें है ये वाली चीज़ें। एंड बहुत बड़ा है, सारी चीज़ें तो नहीं कवर हो सकती, बट फिर भी मैंने काफ़ी कुछ दिखाया इस वीडियो में। ये एक स्क्रीन है, इसमें ये लोग जो भी व्हीकल्स वगैरह हैं फ्यूचर में, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है उसको लेकर इन्होंने ये कंसेप्ट बनाया है। जैसे ट्रक्स है, हेलीकॉप्टर है, शिप है, बोट्स है, जो भी उनका एक कॉमन मीन्स है, एक लाइन है जिसके थ्रू वो लोग बना रहे हैं। लाइक अ ट्रेन ट्रैक, तो इनका एक ट्रैक है जिसके ऊपर ये उड़ के ना अलग अलग उसमें, सो दैट नीचे इतनी भीड़ ना रहे, जो भी है स्काई में ट्रैवल कर रहे हैं ये। एंड उसको लेके ये कंसेप्ट बनाया उन्होंने, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। सो ये है कुछ फ्यूचरिस्टिक बाइक्स। इस ये है एक बाइक जिस जो कि ऑन रोड चल के डेटा कलेक्ट करती है ऑन एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी। सो जो भी एनवायरनमेंट और रोड सेफ्टी है वो डेटा कलेक्ट करती है चल चल के, एंड वो अपना डेटा जो उसने गैदर किया है वो इंफॉर्मेशन हमें देती है। सो ये है समथिंग आई थिंक फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल, दिस इज़ समथिंग फ्रॉम वेस्ट मटेरियल जो कि इन्होंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि वेस्ट मटेरियल से कलेक्ट की हुई है, पेपर्स के, और उनको रिसाइकल करके कैसे बनाया होता है वैसा। और ये है प्यारा सा रोबोट, ये हमें हमारी लाइफ की एक वो दे रहा था, वेस्ट बैंड्स। ये वेस्ट बैंड्स लेके हम स्क्रीन्स पे जा रहे थे एंड वो हमें हमारा फ्यूचर बता रहा था, बट लाइक सॉर्ट ऑफ अनरियलिस्टिक फ्यूचर ऑब्वियसली। ये इन्होंने गोभी को लेके, जो हमारी फूल गोभी होती है उसको लेके कुछ पता नहीं क्या कटोरे से बनाया है। और ये है एक रोबोट, ये मुझे बिल्कुल वो ऑक्टोपस, स्पाइडरमैन वाले डॉक्टर ऑक्टोपस जैसा लग रहा था। एंड ये पीछे फ्यूचरिस्टिक रेस जा रही है, जो भी ये गेम आता था पहले उसमें रेस से रेस टच करके वो लंबा सा स्नेक बन जाता था, वो वैसी लग रही थी। दोनों रोबोट आपस में बात कर रहे हैं, तो देखिए ये क्या बात कर रहे हैं। Ich glaube, unser Mensch ist kaputt. Kaputt? Wieso kaputt? Sind seine Synapsen nicht richtig verknüpft? Läuft Wasser aus? Oder was ist nur noch seine Mundwinkel? Hängen den ganzen Tag so komisch runter? Er hat schwarze Ringe unter den Augen und rollt schon zum dritten Mal den Keller auf. Rollt den Keller auf? Jetzt nimmt er mir schon wieder meine Aufgaben weg. Ich dachte, der Mensch schreibt an diesen Buchstabenklopfen. Buch, das ist sein Job. Der ist doch Schriftsteller, oder nicht? Ja, aber meine letzte Datenanalyse hat dagegen. Immenser Kaffeeverbrauch, häufige Sätze und noch kein einziges Kapitel fertig. Zusammen mit dem Mundwinkel. और ये इन दोनों की गुफ्तगू से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती ना, बिल्कुल नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोल रहा है। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मुझे बता दें। और ये है हमारा वैक्यूम क्लीनर वाले
जो लोग जर्मनी में रह रहे हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ये है हमारी उड़ती हुई कार और ये है हमारे पेपर के कैंप्स और ऐसा कुछ नहीं। ये है फ्यूचरिस्टिक थीम मॉडल्स जो भी है पता नहीं क्या है। सो इन घरों में जो जो रहना चाहता है वो अपने अपने हाथ उठाएं और अब आपको बस ज़्यादा नहीं सिर्फ 4044 तक का वेट करना है घरों में रहने के लिए। सॉरी बहुत फालतू की बात कर दी मैंने, सॉरी। और ये बहुत प्यारे प्यारे फूल है, इतने प्यारे प्यारे। एक्चुअली ये कंसेप्ट है, इसके अंदर कुछ मटेरियल्स को लेके सम यू नो कि इस मटेरियल्स को यूज़ करके ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। राइट, कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स लाइक उनके एडवांस वर्जन्स इस तरह से है जो भी। मे बी सम फॉर्म ऑफ फाइबर्स। एक्चुअली ये कंसेप्ट था कि जिसमें जो हमारे ओल्ड क्लोथ्स हैं वो देख के हम उनको रिसाइकल करा सकते हैं एंड जितने भी ओल्ड क्लोथ्स होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं देने पड़ते हैं या उनका कोई एंड यूज़ नहीं होता। लेकिन इस प्रोसेस में क्या है, हम उनको रिसाइकल करके उसको फिर से कपड़ों में बना सकते हैं, लाइक उन्हीं फैब्रिक्स को फिर से रिसाइकल करके नए नए चीज़ें बना सकते हैं। रिसाइकलिंग के बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे अच्छे। ये है स्काई वॉक, यहाँ पे कुछ सोलार एनर्जी को लेके कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए थे। और ये है इनका आर्किटेक्चर। सो यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स और ये जो भी आर्किटेक्चर हो सकता है उनके कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं। थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, बट इंटरेस्टिंग है देखने में क्योंकि तो जैसे ही आप देख सकते हैं अलग अलग स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं। कितना प्यारा घर है ये, वाह। और फ्रेंड्स ये है उड़ने वाला पंखा, ये अपने आप हवा में उड़ता है। नहीं मजाक कर रही हूँ, ये एक्चुअली ऐसे ही उन्होंने डेकोरेशन के लिए बनाया हुआ है ये। आई होप यू गाइज मस्ट हैव एंजॉयड ऑल द थिंग्स इन द म्यूजियम एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड have a good week. Thank you.